हेलो रुवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का डिटेल सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हमें रिक्वेस्ट आई थी कि इस साल के लिए आपका डिटेल सिलेबस क्या होना चाहिए, हमें इसका सेशन चाहिए करके। इसलिए मैं आपको सभी रीजन्स के लिए एक सिलेबस आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। अभी भी आपको बताया नॉर्दर्न रीजन 1, 2, 3 प्लस सदर्न रीजन 1 और 2 को मिलाते हुए टोटल नंबर ऑफ 147 वैकेंसीज पीजीसीएल ने रिलीज कर दी स्पेसिफिकली डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए। तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी है और इस साल सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है इस साल के लिए, ठीक है, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये भी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसको मिलाते हुए अगर आपको देखा होगा 2018 से लेके जो 2020 तक का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसको हमने एनालाइज किया काफ़ी अच्छी तरीके से। और इस साल आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सिलेबस में, ये इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज का सेशन आपके सामने प्रेजेंट किया। तो हम लोग कंप्लीट डिटेल सिलेबस देखने वाले कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। देखिए गाइस, आपको बता दूँ, प्रीवियसली अभी तक के सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स भी एलिजिबल थे, अभी सिर्फ इस साल डिप्लोमा स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका लेवल ऑफ कंपटीशन रहेगा, आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कंटिन्यू करिएगा, जो जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको पता है 22 अगस्त को इसका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो मेंशन कर दिया। अगर हम लोग आज से कंसिडर करते तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने, इस 2 महीने को फ्रूटफुल तरीके से अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन पैटर्न में क्विकली बता देता हूँ सो दैट हम आगे बढ़ सके। 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन टेक्निकल के रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल के। दोनों भी आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा गाइस, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन ये सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द 120 क्वेश्चन। आप जितना चाहे मर्जी इस टेक्निकल को प्रिपेयर करें, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन जो रहते हैं हमें कन्फ्यूजिंग से रहते हैं, और हमारा कुछ 5 से 10 क्वेश्चन से हमारा जो मार्क्स है वो हमारा लो डाउन हो जाता है, ठीक है, लोअर हो जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये जो सिलेक्शन दिलाता है आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन ही दिलाता है। और आपको पता है इसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे कोचिफाई चैनल पर नॉन टेक्निकल की सीरीज शुरू कर दी, जैसे कि आपने देखा होगा पीजीसीएल 2021 का जो नॉर्दर्न रीजन 1 का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्पेशली मैं आपको काफ़ी बार डिस्कस कर रहे थे। 20 क्वेश्चंस है गाइस, आप जाके देखिएगा, काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि 20 मार्क्स मिले आपको, तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है। अगर आप इसको बोलोगे कि लास्ट के 5 से 7 दिनों में प्रिपरेशन करूँगा 50 क्वेश्चंस के लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब मैं अभी से आपको बता के रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीरियस नोट है। जो स्टूडेंट्स डेडिकेटली मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट चाहते कि 2021 में उनका सिलेक्शन हो, तो आपको दोनों भी सेक्शंस इक्वली प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी आता है, एप्टीट्यूड भी आता है और रीजनिंग भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों भी सेक्शंस काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। इसलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सबसे पहले तो आप जाके देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन 17 दिसंबर 2020 को पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जनरल इंग्लिश के लिए भी ये सीरीज हमने शुरू कर दिया, ये हमारे सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन है, और हमारे रीजनिंग की भी सीरीज हमने शुरू कर दी, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको 120 क्वेश्चन टेक्निकल के पढ़ने होंगे, ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करा चुके, जो दिसंबर में अभी रीसेंट दैट मीन्स कुछ ही महीनों पहले, जो 6 महीने पहले दिसंबर में पेपर हुआ था पीजीसीएल एनआर 1 रीजन का, उसके हमने 120 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करा चुके चैनल पे। ये सारे जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करना होगा, सारे लिंक प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा दिए, आपको अच्छी तरीके से इसको जाके देखना होगा अगर आप इसको इस साल प्रिपेयर करना चाहते हो। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन है, सो दैट जो भी मैं अभी सिलेबस देखिए, आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, ठीक है, उसके बाद में आप सिलेबस के जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर दो आपके पास, ठीक है, उसके बाद में आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से थोरली पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। तो आपको बता दूँ, जो ओवरव्यू है हमारे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस का, इसमें हमारे पास में इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, नेटवर्क थ्योरी, सर्किट्स आएंगे, मेजरमेंट्स आएंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, डीसी मशीन्स का कुछ पोर्शन रहने वाला है, जनरेशन ट्रांसमिशन, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड पावर सिस्टम का जो है, ठीक है, और मशीन्स के ऊपर। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, इसमें इस जो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आजकल पीजीसीएल में देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हमारे बात कंट्रोल सिस्टम की, ये तो काफ़ी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीजीसीएल के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इसमें मेंशन करके रखा है, क्योंकि हमें एलिमिनेशन से कुछ 2-4 क्वेश्चंस प्रीवियसली देखने को मिले थे। और इसके अलावा भी कोई पॉइंट छूट जाता है तो मैं आपके आने वाले सीरीज में कवर करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग आपको देखना होगा, हम लोग इसको कंप्लीटली गो थ्रू नहीं करते, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्विक हाइलाइट्स आपको बता देना होगा। इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, नेटवर्क थ्योरी में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें हमारे पास में डीसी सर्किट रहेंगे, जिसमें हमारे पास लॉज रहते हैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, सर्किट्स जो रेजिस्टेंस है उसके कन्वर्जन, सिंगल फेज एसी सर्किट में आरएलसी सर्किट, पैरेलल सर्किट्स क्या रहते हैं, उसका एसी वोल्टेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती है, ठीक है।
जो क्वांटिटीज हो गए, पीक फैक्टर कन्वर्जन, उसके उसके ऊपर काफ़ी बार बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थ्री फेज एसी सर्किट में जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में आता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द सर्किट एलिमेंट्स। देखिए गाइस, आपको इसको देखने डरना तो पहली बात नहीं है, ठीक है। जो जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने ड्यूअल नेटवर्क पॉइंट पढ़ लिया और आपको उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में दो चार घंटा उसी के ऊपर टाइम स्पेंड कर दिया। नहीं, आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से ईच एंड एवरी पॉइंट, जो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको मार्क करते जाना है कि आपने उसको पढ़ा है, आपको आता है या नहीं आता है। जैसे डॉट कन्वेंशन हो गया, डॉट कन्वेंशन में 4 से 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो काफ़ी बार पूछ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी, स्मार्टली प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं और 2 महीने में काफ़ी बड़ा सिलेबस आपको हासिल करना है अगर फ्रेशली प्रिपेयर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो अच्छी तरीके से जो जो पॉइंट मैंने आपको मेंशन किए वो अच्छी तरीके से आपको डिटेल में पढ़ लेने हैं, ठीक है, एक बार। उसके बाद हम लोग जो एमसीक्यूज की सीरीज लाएंगे उसके आप में उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स को कवर अप करा सकूं, ठीक है। फिर आपको नेटवर्क थ्योरम से एसी एंड डीसी नेटवर्क के लिए, तो उसमें थेवनिन थ्योरम्स हो गया, रेसिप्रोसिटी हो गया, कॉम्पेंसेशन, सब्सटीट्यूशन, एमपीपीटी के थ्योरम्स हो गए। उसके बाद में नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ये आप भूलिएगा मत क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क टोपोलॉजी हो गया, इसमें नेटवर्क ग्राफ आते हैं, ट्री, ब्रांचेस, लिंक, इंसिडेंस मैट्रिक्स, कटसेट मैट्रिक्स, ट्राईसेट मैट्रिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे गाइस, आप ध्यान में रखिएगा कि इस साल का जो आपका पेपर रहने वाला है वो डिप्लोमा बेस्ड के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उसको ध्यान में रखते हुए ये पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ही आप जो डिप्लोमा, जिसमें सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, इसलिए इसके पहले साल क्या होता था कि डिप्लोमा प्लस बी बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, तो जो सिलेबस सेट किया जाता था इन दोनों को ध्यान में रखते हुए। अभी इस साल डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, तो हम लोग इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सिलेबस भी, आपका क्वेश्चन पेपर भी अकॉर्डिंगली रहेगा, ठीक है। तो जो जो पॉइंट बता रहा हूँ अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं आपको। फिर आता है हमारा नेटवर्क फंक्शंस, टू पोर्ट नेटवर्क, इससे आपके जो वाई जेड एबीसीडी हाइब्रिड पैरामीटर्स है इसके बेसिक्स क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया इसको पॉज करके या फिर आप पीडीएफ में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ट्रांजिट एनालिसिस से आपके बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो क्या हमारा बेसिक्स और नेटवर्क का। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल, ये मैं आपको क्विकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करके नहीं चलते, कि जो जो क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेशन में तो डिस्कस कर लेंगे, आपको एक बार बस गो थ्रू करा रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या रहता है, एमीटर, वोल्टमीटर, उसके रेंज एक्सटेंशन क्या रहती है, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, मूविंग आयन, डायनामोमीटर में क्या क्या डिफरेंस रहता है, उसमें टॉर्क का जो रहता है, ठीक है, जो इनिशियल डैम्पिंग टॉर्क रहता है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर प्रोपोर्शनल रहता है, थीटा के, थीटा स्क्वायर से, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हॉट वायर में कौन से प्रिंसिपल उसमें यूज होते जाते हैं, ठीक है। शंट और मल्टीप्लायर क्या होता है, हम लोग एमीटर को या फिर वोल्टमीटर का अगर रेंज एक्सटेंशन करना है तो उस रेंज एक्सटेंशन के इक्वेशंस क्या रहते हैं और उसके क्वेश्चंस क्या रहते हैं, ये आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आता है कि मेजरमेंट ऑफ पावर, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अभी इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, थ्री फेज पावर मेजरमेंट ऑफ बाय 2 वाट मीटर मेथड, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है गाइस हर एक एग्जामिनेशन में, ये आपको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर में आपको कुछ कुछ जो यहाँ पे मेंशनड है, ठीक है, हम लोग सेशंस के दरमियान हम सारी चीज़ें डिस्कस करने ही वाले, बट आपको ये चीज़ें जो मेंशन करके रखनी है, ठीक है। सिंगल फेज और थ्री फेज में कैसे कैसे हम लोग मेजर करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग और मीडियम हाई रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कौन से ब्रिजेस यूज़ करते हैं, ओवंस ब्रिज हो गया, हैवी साइड्स हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, इंडक्टेंस के लिए कौन से ब्रिजेस यूज़ करते हैं, तो ये आपको ब्रिजेस और ये सारी चीज़ें मेजरमेंट टॉपिक में से पढ़ लेनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डीसी मशीन, एसी मशीन और ट्रांसफार्मर। इसमें हमारे पास में ट्रांसफार्मर हम अच्छी तरीके से पढ़ना है, लॉसेस, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से पॉज करके एक बार गो थ्रू करिएगा गाइस। थ्री फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में से जो स्पेशल टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन्स रहते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट लाइक सर्वो मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर्स, ठीक है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में से आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं अच्छी तरीके से, जिसमें हमारे पास में जो सबसे पहले तो जनरेशन टॉपिक को आप कवर करिएगा, फिर ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर होता है, मैंने आपके लिए गाइस सिर्फ ऐसा ओवरव्यू सिलेबस नहीं बताया क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम लोग हमारी कुछ कुछ पॉइंट्स हमारी छूट जाते हैं और मेनली उसी में से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे पावर प्लांट इकोनॉमिक्स में आपको पता होगा लोड कर्व, बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है, लोड
फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर के फॉर्मूलेज और उसके इक्वेशंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। कैपेसिटी फैक्टर, ये जो फैक्टर्स है आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने, यहाँ से मैं हाईलाइट करके रखते तो ये तो इंपॉर्टेंट ही है जनरेशन में से मेनली। उसके बाद में हमारे पास में ट्रांसमिशन में क्या क्या चीज़ें आती है, जीएमडी जीएमआर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के देखने के बाद आपको ये सिलेबस देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, कि सो दैट आप कवरअप कर पाओगे कि आपके कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांसमिशन सिस्टम एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास में अलग अलग टाइप की ट्रांसमिशन लाइन होती है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं, उसके एबीसीडी पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं, ये सारे अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। ये सिर्फ जेई लेवल का सिलेबस आपको पीजीसीएल के लिए आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि पीजीसीएल काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस आपको पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इंसुलेटर एंड मैकेनिकल डिज़ाइन, आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जो इंसुलेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सैग क्या रहता है, स्ट्रिंजिंग ऑफ कंडक्टर्स क्या रहता है, स्पीसिंग क्या रहता है, ठीक है, टॉवर्स के बीच की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। स्ट्रिंग एफिशिएंसी मेनली इंपॉर्टेंट रहता है, शील्डिंग एंड ग्रेडिंग क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास में थ्री फेज फोर वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। बस बार्स क्या रहते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी मैंने आपको टॉपिक मेंशन किया इसको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, स्पेशल पर्पज मटेरियल्स हो गया, आपको इस साल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। इसमें आपको टाइम डोमेन एनालिसिस एंड क्लोज लूप सिस्टम को तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने मेंशन करके रखा है, इफेक्ट ऑफ एडिंग पोल्स एंड जीरोस ऑन द लोस है, स्टेबिलिटी ऑफ रूट लोसी, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, बोडे प्लॉट्स, इफेक्ट ऑफ एडिंग, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एडिंग पोल जीरोस, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी, गेन एंड फेज मार्जिन्स, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। एंड डिजाइन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम विद पीआईडी कंट्रोल्स, उसके जो बेसिक्स क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी डिटेल में इंजीनियरिंग लेवल तक के सिलेबस रहेगा, हर एक टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन ही है, ठीक है। 120 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से बायफर्केट करके पढ़िएगा गाइस, ठीक है। तो ये कंट्रोल सिस्टम में जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है या फिर जो हम लोग पॉइंट्स कहते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर आपको चार से पांच क्वेश्चन एक बार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको इतना बड़ा सिलेबस इसलिए मैंने आपके लिए मेंशन करके रखा है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट मैंने मेंशन किया, जैसे थायरिस्टर हो गया, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या है, एससीआर सर्किट्स क्या रहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर्स क्या है, ठीक है, डैमेजेस क्या होते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई में हमारे पास में हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। ये ब्लीडर रेजिस्टेंस आपने नहीं पढ़ा भी तो भी चलेगा, वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाईज क्या होते हैं, ठीक है, फ्लाई बैक बग बूस्ट कन्वर्टर, ये कन्वर्टर्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। डायक क्या होता है, ट्राइक क्या होते हैं, ठीक है, और उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे ट्रिपल आर वी हो गया, रिवर्स रेट रिकवरी वोल्टेज का, ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, और ड्राइव्स में अगर हम लोग मेनली बात करते हैं तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो गया, थ्योरी एंड एनालिसिस ऑफ डीसी ड्राइव्स, कन्वर्टर चॉपर क्या रहते हैं डीसी ड्राइव्स के लिए, वीएफ कंट्रोल, ये इस तरीके से पढ़ लेना है आपको। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको नंबर सिस्टम से लेते हुए जो बाइनरी ग्रे जब बाइनरी ग्रे कोड रहते हैं, बीसीडी एडिशंस हो गया, ठीक है, जो आपके लॉजिक गेट्स रहते हैं, बुलियन लॉजिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन थ्योरम काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड और नॉर लॉजिक ऑपरेटर्स के उसके लॉज, ठीक है, जो भी आपके ऊपर जो उसके ऑपरेशंस रहते हैं वो आपके अच्छी तरीके से पढ़ लेने। हम लोग सेशंस के टाइम पे अच्छी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस को सिलेबस के द्वारा समझाई दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। फिर अभी हमारे पास में था एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हमारे पास में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो इसमें हमारे पास में सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर और फीडबैक एम्पलीफायर प्लस ऑसिलेटर के जो बेसिक क्वेश्चंस है आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने। हर एक टॉपिक के आपको दो महीने का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिएगा आज से। टनल डायोड अगर आपने मान लो एक एग्जांपल ले लिया, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, इसका सिंबल कैसा रहता है, ठीक है, इसमें कौन से टर्मिनल्स रहते हैं, इस तरीके से आप बेसिक पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, आपका डेफिनेट सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, कि इस तरीके से सिलेबस को कवर करके आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनालॉग सर्किट्स में ही हमारे पास में वेव शेपिंग सर्किट्स हो गए, मल्टी वाइब्रेटर्स क्या हो गए, उसकी बेसिक फंक्शनलिटीज़ क्या होती है, सीएमआरआर क्या होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कास्केड एंड कास्केड एम्पलीफायर, ठीक है, इसको स्किप आउट किया तो भी चलता आपने, ठीक है।
स्टेबल मल्टीप्लायर यहाँ तक आ सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारे पास समर हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसकी बेसिक इक्वेशन आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे स्मिथ ट्रिगर हो गया, ठीक है, 555 टाइमर, और उसके कुछ छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स क्वेश्चन रहते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसमें आपको एलिमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिकल वेंडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर्स में से कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे हमारा कंप्लीट एक डिटेल सिलेबस, मैंने आपको क्विकली गो थ्रू करा दिया कि आपको किस तरीके से अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसके अकॉर्डिंग हम लोग सीरीज में जो क्वेश्चन है हम लोग कवर करा देंगे, सो दैट आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो गया। बट आपके एंड से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो गाइस, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है। 2 महीने सिर्फ बोलने की बातें रहती है, सिर्फ 60 डेज आपके पास है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको डेफिनेट सिलेक्शन चाहिए ना गाइस, तो आप आज से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। जो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए, जो कोई भी बुक अगर आपके पास होंगी तो उसको बेसिक से अप्रोच करना शुरू कर दो, और हमारे जो MCQ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा उसमें से आपको प्रिपरेशन होते जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक छूट गया होगा गलती से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमारे MCQ सीरीज के द्वारा हम लोग आपको वो पॉइंट कवर करा देंगे। तो आशा करता हूँ गाइस आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई वो यूजफुल होगी, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें बताइए, और कोई भी डाउट्स आते हैं, क्वेरी आते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। अब हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और COACHIFY को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो मैंने आपको क्वांट्स का सेशन बताया था 20 क्वेश्चन प्रीवियसली, वो आप यहाँ पे आप क्लिक करके अभी जाके देख सकते हो, और हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2020 में जो पूछे गए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।